नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएफए चैंपियंस लीग के बारे में कि कौन सा टीम राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर गए और कौन सा टीम का कितना पॉसिबिलिटीज है उस बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रुप ए के बारे में बात करते हैं। ग्रुप ए में चार टीम वायन, कोपेनहेगन, गैलेटासराय एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। इनमें से बायर्न म्यूनिख क्वालिफाई कर चुके हैं। कोपेनहेगन पांच मैच में 5 पॉइंट, गोल डिफरेंस -1 है। गैलेटासराय उसका भी 5 मैच में 5 पॉइंट का गोल डिफरेंस -2 है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो अपना फास्ट मैच जो वायन के साथ खेला था, बहुत बेहतरीन मैच खेला था, हालांकि वो मैच वो हार गए थे, पर उसके बाद वो उस मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर पाया और सबसे लास्ट पोजीशन पे है। 5 मैच में 4 पॉइंट है, इसका भी गोल डिफरेंस है -2। अब इनमें से कौन टीम क्वालिफाई कर सकता है, किसका पॉसिबिलिटीज़ क्या है? बायर्न म्यूनिख तो क्वालिफाई कर चुकी है। इन दोनों का मैच है, कोपेनहेगन वर्सेस गैलेटासराय। मतलब इनमें से अगर कोई मैच जीतता है, कोई भी, चाहे गैलेटासराय जीते या कोपेनहेगन जीते, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर इन दोनों का मैच ड्रॉ होता है तभी मैनचेस्टर यूनाइटेड का चांस है, अगर वो बायर्न को हरा दे तो। अब ग्रुप बी के बारे में बात करते हैं। आर्सेनल और पीएसवी दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं। आर्सेनल 5 मैच में 12 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर चुके हैं और ये 5 मैच में 8 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर चुके हैं। अब ग्रुप सी के बारे में बात करते हैं। रियल मैड्रिड, नापोली, ब्रागा और यूनियन बर्लिन 5 मैच में 15 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर चुके हैं। 5 मैच में 7 पॉइंट है इनका, नेपोली का। इनका 5 मैच में 4 पॉइंट है। इनका -1 है गोल डिफरेंस, इनका -4 है गोल डिफरेंस। रियल मैड्रिड क्वालिफाई कर चुकी है। अब इन दोनों का मैच है, नेपोली वर्सेस ब्रागा। इन दोनों में ड्रॉ हुआ तो नेपोली जाएंगे। ब्रागा को मस्ट विन मैच है, इनको जीतना ही पड़ेगा। खाली जीतना नहीं पड़ेगा, गोल डिफरेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। इनका -1 है, इनका -4 है, तो मिनिमम गोल डिफरेंस 2-0 से जीतना पड़ेगा। 2-0 से जीतेंगे तो इनका गोल डिफरेंस मैनेज हो जाएंगे और ब्रागा क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ज़्यादा चांस तो नेपोली का ही बनता है। तो इस ग्रुप से रियल मैड्रिड और नेपोली, मेरे हिसाब से ब्रागा भी हो सकता है। अब ग्रुप डी के बारे में बात करते हैं। एक रियल सोसिडेड, रियल सोसिडेड 11 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर चुकी है। दो इंटर, ये भी 5 मैच में 11 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर चुकी है। इंटर और रियल सोसिडेड ये दोनों राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब ग्रुप ई के बारे में बात करते हैं। एटलेटिको मैड्रिड 5 मैच में 11 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर चुकी है। दो लाजियो, ये भी 5 मैच में 10 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर चुकी है। अब ग्रुप एफ के बारे में बात करते हैं। ग्रुप एफ जो ग्रुप ऑफ डेथ था, ग्रुप ऑफ डेथ है ये, डॉर्टमुंड, पीएसजी, न्यूकासल, मिलान, ये एसी मिलान है। जो इंटर है वो इंटर मिलान और ये एसी मिलान, दोनों एक ही सिटी का है, तो वो इंटर मिलान, ये एसी मिलान। इनका देखिए, डॉर्टमुंड 5 मैच में 10 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर चुकी है। दूसरा टीम पीएसजी 5 मैच में 7 पॉइंट है, इनका गोल डिफरेंस +1 है। और न्यूकासल है 5 मैच में 5 पॉइंट, गोल डिफरेंस 0 है। मिलान है 5 मैच में 5 पॉइंट, गोल डिफरेंस है -4। इनका जो मैच है, सिक्स्थ मैच जो है, ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच, न्यूकासल वर्सेस मिलान, ये न्यूकासल का होम मैच होने वाले हैं। और डॉर्टमुंड वर्सेस पीएसजी, ये पीएसजी का अवे मैच होने वाले हैं। अगर इस मैच में पीएसजी ड्रॉ करता है तो ही इन दोनों टीम का चांस बनेगा।
अगर पीएसजी ये मैच जीत जाते हैं तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर पीएसजी ये मैच ड्रॉ करता है तो न्यूकासल और मिलान इन दोनों टीम के पास चांस है, पर ज़्यादा चांस न्यूकासल के पास होगा क्योंकि उनका गोल डिफरेंस जीरो है, इनका गोल डिफरेंस -4 है। पीएसजी का चांस सबसे ज़्यादा है क्वालिफाई करने का, ऑलरेडी डॉर्टमुंड क्वालिफाई कर चुकी है, न्यूकासल का भी चांस है अगर पीएसजी ड्रॉ खेलता है तो। अब ग्रुप जी, मैनचेस्टर सिटी क्वालिफाई कर चुकी है 5 मैच में 15 पॉइंट के साथ। दूसरा टीम लेप्ज़िग, ये भी क्वालिफाई कर चुकी है 5 मैच में 9 पॉइंट के साथ। दोनों टीम क्वालिफाई कर चुकी है। अब ग्रुप एच के बारे में बात करते हैं। ग्रुप एच से बार्सिलोना 5 मैच में 12 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर चुकी है। एफसी पोर्टो 5 मैच में 9 पॉइंट और शख्तर डोनेस्क 5 मैच में 9 पॉइंट। इसका गोल डिफरेंस +5 है, इसका 0 है। अब इन दोनों का मैच है, पोर्टो वर्सेस शख्तर डोनेस्क। तो अगर ड्रॉ भी करता है तो पोर्टो क्वालिफाई करेंगे। शख्तर डोनेस्क के लिए ये मैच मस्ट विन मैच है, जितना पड़ेगा तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगे। और राउंड ऑफ 16 का ड्रॉ 18 दिसंबर शाम 4:30 बजे से लाइव देख सकेंगे आप सोनी स्पोर्ट्स के किसी भी चैनल में, 1, 2, 3 या किसी एक चैनल में होंगे, और यूट्यूब में यूएफए का ऑफिशियल ऐप में आप ये लाइव देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।